गुड मॉर्निंग क्लास। सभी लोग क्या कहते हैं, कृपया करके एक रफ कॉपी और एक पेन ले लें और बैठ जाएं। आज जो है चैप्टर 3 से हमें चैप्टर 4 पे जाना था क्लास 8 के लिए, लेकिन हम आज 4 पे नहीं जाके, जैसा कि एक डाउट भी था अनुष्का का 3.3, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि उसके हर एक फिगर का आपको प्रॉपर्टीज नहीं क्लियर है, तो उसके लिए भी और साथ ही साथ आपको सभी प्रॉपर्टीज एक समरअप देने के लिए पहले से प्रिपेयर्ड था, तो आज चैप्टर 3 का ही समरअप रहेगा। उसमें आपको लिखना है बहुत सारी चीजें और याद भी करना है। तो समरअप में क्या रहेगा, आपको कुछ एरियाज के फॉर्मूला, पेरीमीटर के फॉर्मूला भी फिगर के बताएंगे, साथ ही ये बताएंगे प्रॉपर्टी क्या होती है फिर किसी भी फिगर की, खासकर क्वाड्रेटर की। ठीक है, फोर साइडेड फिगर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी बात करेंगे हम बात करेंगे किसी एक ट्रेपेंजियम की। तो लिखिए ट्रेपेंजियम। अ ट्रेपेंजियम इज अ क्वाड्रेटर व्हिच एट लीस्ट वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। ट्रेपेंजियम एक ऐसा फिगर है जिसमें न्यूनतम कम से कम एक साइड जो होगा वो पैरेलल होगा, मींस कहीं पे बाइसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगा। फिर दूसरा लिखिए, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ट्रेपेंजियम। ट्रेपेंजियम कई तरह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं इसका एक फिक्स शेप नहीं है, आप उज्जवल नहीं हो गए हैं या कोई और किसी और व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, उसका एक फिक्स शेप है। अलग अलग शेप से भी ट्रेपेंजियम हो सकते हैं, ऐसे भी ट्रेपेंजियम हो सकता है। क्या है उसका जरूरी क्या है कि दो कोई साइड्स पैरेलल रहे, ऐसे हो सकता है, कोई किसी भी तरह से भी हो सकता है। चलिए एक फिगर हम बना के आपको समझाते हैं। चलिए एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया आपका हाइट h, ठीक है, और ये हो गया l3, ये हो गया L2, ये हो गया L1, ये हो गया L, ठीक है, फिर हो गया ये P, फिगर का नाम दे देते हैं PONM, ठीक है। अब देखिए इसमें साइड पैरेलल साइड कौन सी है, L और L2 पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड L1 और L3, ठीक है। पैरेलल साइड नॉन पैरेलल साइड आपने समझ लिया, पैरेलल साइड वो साइड होती है जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो फिर प्रॉपर्टीज में ट्रेपेजियम पे लिखिए, द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है, ज्यादातर बेस जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है ये बेस और उसकी ऑपोजिट साइड, ठीक हो गया। नो साइड्स एंगल्स एंड डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कोई भी साइड या ट्रायंगल क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे स्क्वायर में है कि सभी साइड इक्वल होना जरूरी है, लेकिन इसमें कोई भी साइड इक्वल होना जरूरी नहीं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, ठीक है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट, हाफ एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट, हाइट आपका एच इंटू L1, और क्या हो जाएगा इंटू L1 इंटू L1 कह रहे हैं, L1 तो था ही नहीं, L है, इंटू L प्लस L2 मीन सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। फिर पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मीन्स क्या, सम ऑफ ऑल साइड मीन्स क्या हो जाएगा, L प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3, जो कि हो जाएगा आपका पेरीमीटर। चलिए ट्रेपेजियम इज यूजुअली कॉल्ड ए रोम्बस। रोम्बस भी ट्रेपेजियम के ही तरह है, क्योंकि रोम्बस की कोई दो पेयर जरूरी है, वो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होती है, ठीक है। ट्रेपेजियम को भी हम क्या कहते हैं, पैरेलोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि वो सॉरी पैरेलोग्राम कह रहे हैं, ट्रेपेजियम इज यूजुअली कॉल्ड पैरेलोग्राम, पैरेलोग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बोला गया ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि अगर सब साइड पैरेलल है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखो तो ट्रेपेजियम इज यूजुअली कॉल्ड अ पैरेलोग्राम। फिर दिस ट्रेपेजियम इज यूजुअली कॉल्ड अ स्क्वायर। ट्रेपेजियम को स्क्वायर भी कहा जाता है, इसका रीजन क्या है कि ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड होनी चाहिए, स्क्वायर में तो चारों पैरेलल साइड्स हैं, दो साइड अपोजिट पैरेलल, चारों साइड पैरेलल हैं, ठीक है। फिर दिस ट्रेपेजियम इज आल्सो कॉल्ड नोन एज
रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम को रेक्टेंगल भी बोलते हैं। सीधी सी बात, रेक्टेंगल के भी दोनों साइड्स जो हैं पैरेलल होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो रहा है, सीधी सी बात है। अब एग्जांपल बात करते हैं काइट्स की। काइट्स क्या है? देखो काइट इज अ क्वाड्रेटर। काइट क्या है? क्वाड्रेटर है जो कि चार साइड से मिलकर बना हुआ है, विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, जिसमें दो पेयर किसकी है? एडजेसेंट साइड, मतलब दो पेयर की साइड की इक्वल होंगी, दो पेयर ऑफ साइड की इक्वल होंगी, ठीक है। ऑल काइट्स पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज काइट्स पजेस करती हैं उसको लिख लीजिए। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ काइट आर इक्वल, दो पेयर एडजेसेंट साइड के इक्वल रहते हैं। चलिए हम आगे भी बताते हैं, समझाते हैं क्या रहता है। वन डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, द एंगल्स ऑफ द काइट्स आर परपेंडिकुलर, अ काइट हैज एट लीस्ट वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या है? काइट में से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री जरूर पास होती है। और दूसरी चीज, जहां पे डायगोनल कट करते हैं वो क्या, कितने डिग्री एंगल पर? 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं, ठीक है। द काइट इज यूजली कॉल्ड रोम्बस, काइट को रोम्बस भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि रोम्बस की भी कहां पे कट करती है? सभी साइड्स 90 डिग्री एंगल पे कट करती है। काइट इज यूजली कॉल्ड स्क्वायर, स्क्वायर भी कहा जाता है क्योंकि स्क्वायर की भी एडजेसेंट साइड इक्वल है, रोम्बस की भी एडजेसेंट साइड इक्वल है क्योंकि रोम्बस की सभी साइड इक्वल है, तो एडजेसेंट मींस अगल बगल की भी साइड इक्वल है। फिर अगर हम स्क्वायर की बात करें तो उसकी भी, रोम्बस की बात करें तो उसकी भी सारी साइड इक्वल होती है, इसलिए अगल बगल की भी साइड भी इक्वल है, और दोनों के स्क्वायर के भी और रोम्बस के भी डायगोनल 90 डिग्री एंगल पर ही कट करते हैं, स्क्वायर के भी और रोम्बस के भी, ठीक है। तो इसे समझ में आ गया कि किस वजह से स्क्वायर और रोम्बस इक्वल होते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, इसका फिगर देख लेते हैं कैसे है। फिगर देखते हैं क्या है। काइट, डिफरेंट टाइप के काइट बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरह सिमिलर काइट रहे। काइट में बताई जा रही प्रॉपर्टी है क्या, ये हो गया इसका डायगोनल। डायगोनल कल कहां करता है? 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है। ये हमने मान लिया डायगोनल P है, ये मान लिया हमने डायगोनल Q है, ठीक है। अब ये हो गया अगर साइड A, तो ये भी साइड A रहे क्योंकि एडजेसेंट साइड्स हैं, इक्वल होंगी। अगर ये साइड B है तो ये भी साइड B है, तो ये एडजेसेंट साइड है, इक्वल होंगी, ठीक है। रेक्टेंगल में क्यों प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल काइट नहीं हो सकता, इसका रीजन क्या है? रेक्टेंगल की भले दो साइड इक्वल है लेकिन अपोजिट साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, अगल बगल की साइड इक्वल नहीं है, इसीलिए रेक्टेंगल ये प्रॉपर्टी पजेस नहीं करता है। और बात करें एरिया की, बात करें तो क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू, मतलब की डायगोनल का हाफ ऑफ द डायगोनल मीन्स पी बाई टू अपॉन टू, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, पेरीमीटर की। पेरीमीटर बी प्लस बी प्लस क्यू ए प्लस ए, क्या हो गया? 2b plus 2a हो गया, इक्वल टू हो गया 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो ये निकल आया, कैसे निकला भाई? इसी फिगर से निकला, सम ऑफ ऑल साइड होता है पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये कौन सा फिगर है, नया नया सुना है क्या, नया मार्केट में निकला हुआ, न्यू लॉन्च, ओ नासा से आया हुआ है। चलिए इस नासा वाले से ताना सा ही करते हैं, चलिए आगे देखा जाए। फिगर बनाते हैं पैरेललोग्राम का, पता ही है साफ साफ भाई, ऑल साइड सर पैरेलल टू ईच अदर। चलिए आपको पता है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। अरे डायगोनल भाई हमारा प्लेन की तरह बन गया, क्षमा चाहते हैं। डायगोनल बहुत सुंदर बना था पहली बार, ठीक है। उसके बाद ये साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ओके। ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइट। चलिए अब प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं हम, देखिए क्या है भाई। तो समझ लिया कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल है, ये सिंगल लाइन मतलब सिंगल लाइन इधर भी, सिंगल लाइन इधर भी, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल, डबल लाइन इधर भी है, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है। उसके बाद ये हाइट दिया हुआ, ये बेस दिया हुआ है, ओके। चलिए
बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल. लिख लीजिए अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देखिए जब हम लिखा रहे हैं इसको पॉज कर करके लिखिएगा. जब आप एक सेंटेंस सुन ले उसे लिखे, पॉज कर ले उतनी देर के लिए वीडियो, उसका फिर रिज्यूम करके फिर आगे. क्या लिखा है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्या है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इक्वल है एक दूसरे के, ये भी इक्वल है एक दूसरे के, बता देंगे. एज सिंपल एज दिस. चलिए बात करते हैं एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 180 के इक्वल होगा. एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री मींस इन दोनों का सम 180. एडजेसेंट एंगल आर इक्वल टू 180. एडजेसेंट एंगल आर इक्वल टू 180 मतलब अगल बगल का एंगल. जरूरी नहीं है सामने सामने, इधर इधर का भी हो सकता है, इधर इधर का हो सकता है, आमने सामने भी. इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है अगर वो पैरेललोग्राम फिगर है. ठीक है. फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. डायगोनल एक दूसरे को, एक दो ट्रायंगल्स को डिवाइड करते हैं दो इक्वल इक्वल ट्रायंगल में. मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है. ठीक है. क्या लिखा है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल. ठीक है. Each other and each diagonals divide the parallelogram into two congruent triangle. हर एक diagonal मतलब ये diagonal की बात करें तो भी ये दो triangle बन रहे हैं. ये diagonal की बात करें ये भी triangle दो बन रहे हैं. दोनों triangle एक दूसरे के congruent होते हैं, equal होते हैं. समझ में आया? तो congruency proved होती है. ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं. If one of the angle of a parallelogram two is right angle are 90 and it's become a right angle. अगर एक भी एंगल पैरेललोग्राम का 90 डिग्री है तो पैरेललोग्राम से क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है या फिर स्क्वायर बन जाता है. कैसे? अगर ये 90 है तो भाई दोनों का सम 180 होना चाहिए. 90 प्लस 90 180. फिर ये भी 90 होगा, फिर ये भी 90 होगा, सभी 90 होंगे. ठीक है. ओके आगे बढ़ते हैं. तो फॉर्मूला ऑफ इसका क्या कहते हैं? एरिया क्या है? लेंथ इनटू हाइट या तो बेस इनटू हाइट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. पेरिमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी या लेंथ प्लस बेस या बेस प्लस हाइट कर सकते हैं. लेंथ को आप हाइट भी नाम देते हैं या हाइट को आप लेंथ भी कहते हैं, जो आपको ज्यादा सुटेबल रहे, अपनी सुविधा अनुसार आपको यूज करना है. ठीक है. अभी देखते हैं पैरेललोग्राम यूजली यूज्ड एज रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की साइड भी पैरेलल होती हैं, उसको रेक्टेंगल भी कहते हैं, उसकी भी साइड्स पैरेलल होती हैं, उसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं क्योंकि उसकी भी साइड्स पैरेलल होती हैं. सीधी सी बात है, जब पैरेलल होती हैं तो होती हैं. दैट्स ऑल फिनिश. चलिए अब आगे बात करते हैं. आई एम ऑल्सो अ ट्रेपेजियम, माय बेस्ट नेम इज रोम्बस. आगे हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? आपको समझ आ गया होगा किसका? रोम्बस के बारे में. ट्रेपेजियम को भी पैरेललोग्राम कहा जाता है इस वजह से कि उसकी साइड्स भी दो साइड उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल रहता है, उसे हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं रोम्बस की. किसकी? रोम्बस की. चलिए रोम्बस फिगर बना लेते हैं. रोम्बस फिगर बनाए. ठीक है. रोम्बस क्या है? देखिए ये बी हो गया, ये ए हो गया. चलिए ये हो गया एल लेंथ. चलिए
दिख रहा है L, ये L, इनविजिबल L है, देख लीजिए दिख रहा होगा, L लिख दिया। चलिए रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। जहां पे डायगोनल कट करता है तो कट करता है 90 डिग्री एंगल पे कट करता है, ठीक है। सभी साइड्स इक्वल होते हैं, दैट्स मच। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट मींस सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लिख लीजिए। फिर अगला लिखा हुआ है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देखा आपने अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल कहां पे कट करते हैं, 90 डिग्री मींस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे देखते हैं, फिर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल मींस एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इट्स क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक रोम्बस पैरेललोग्राम तब होता है जब उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं रोम्बस इज आल्सो अ स्क्वायर, रोम्बस को स्क्वायर भी कह सकते हैं जब उसकी सारी एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, स्क्वायर भी कह सकते हैं क्योंकि उसके भी डायगोनल 90 डिग्री से कट कर सकते हैं। फिर रोम्बस को हम क्या कह सकते हैं, काइट भी कह सकते हैं, ठीक है, रोम्बस ट्रेपेजियम भी हो सकता है, ठीक है। अगर ट्रेपेजियम ऐसा है जिसके सभी साइड इक्वल है, ठीक है, फिर ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो रोम्बस भी पैरेलल हो सकता है, तो उसको हम ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं, ठीक है, और उसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, पैरेलल साइड्स में पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। उसका बेस्ट नेम तो रोम्बस है ही है यार, क्या नाम बदलोगे बार बार, रोम्बस ही रखते हैं। चलिए बात करते हैं रेक्टेंगल, अपना घर वाला काम आ गया रेक्टेंगल, ऐसा लगता है रेक्टेंगल का नाम सुनते ही लगता है कि बस तलवार निकाल लें और इस मैथ सब्जेक्ट की किताब के ऊपर रख दें, क्यों, क्योंकि ऐसा लगता है वही रेक्टेंगल सुना सुना के हवा भर दिया, एकदम दिमाग खराब कर दिया। अब बात करते हैं लेकिन फिर भी बड़े दुख के साथ रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होता है, सभी 90 डिग्री होते हैं, ओके, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। चलिए लिख लिया अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, याद है, पक्का याद है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, देख लिया, होते हैं, अपोजिट एंगल डायगोनल जहां कट करते हैं वो भी होते हैं, लिख लिया, अपोजिट एंगल्स के इक्वल होते हैं, लिख लिया, सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, लिख लिया। आप लोग प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इंग्लिश में, शब्दों में, ठीक है, शब्दों में के लिए ही मैंने बता रहा हूं आपको, लिखा हुआ शब्दों में क्या हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल का कहीं कहीं सिंबल आपको दिखता है कैसे, ऐसे, ठीक है, हमारा एरो टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, मींस ये बिल्कुल पैरेलल का भी साइड दिया जाता है, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये सिंबल प्रूफ करता बताता है। तो अपोजिट कहा था हम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ऑल साइड्स आर राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर, क्या है, डायगोनल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जहां पे कट करते हैं वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ये पार्ट इस पार्ट इक्वल, 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 गॉट इट। चलिए देख लीजिए इसके बाद क्या है, अपोजिट एंगल फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर डायगोनल मीट कौन आर कॉन्ग्रुएंट, जहां पर डायगोनल एक दूसरे से मिलते हैं और जो एंगल फॉर्म होते हैं उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए अगले देखते हैं, अगला क्या है,
A rectangle is a special type of parallelogram whose angles are right angle. A rectangle एक ऐसे type का parallelogram है जिसके सभी angle कितने हैं? 90 degree हैं. बस इतना फर्क है कि सभी angle 90, 90, 90 और 90. ठीक है? चलिए. Good. उसके बाद आखिरी बात करते हैं जो अपना घर का पड़ोसी बन गया है square. Square की सभी side equal होती हैं पता है. डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं पता है और जहां पे डायगोनल कट करते हैं सभी 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर कट करते हैं पता है. चलो अब और कुछ पता कर लेते हैं. अच्छा एक चीज जो खास है डायगोनल निकालने का तरीका और पेरिमीटर और एरिया का फार्मूला भी लिख लो स्क्वायर रेक्टेंगल का. डायगोनल निकालने का तरीका क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर बात करें उसकी क्या कहते हैं एरिया की. एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ. और पेरिमीटर की क्या है? टू ब्रैकेट में एल प्लस बी. लिख लिया सब लोग. चला आखिरी बात डिस्कस करते हैं स्क्वायर के. स्क्वायर क्या है? स्क्वायर के बारे में हमने विशेष रूप से संक्षिप्त रूप से बता दिया है. चलिए आगे बात करते हैं. ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सभी साइडें सभी एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं इक्वल हैं. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अपोजिट साइड्स जो हैं क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं किसमें स्क्वायर में. लिख लो सभी. डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मींस ये डायगोनल भी इक्वल है. डायगोनल पर आर परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्ट प्लेस जहां से बाइसेक्ट किए जाते हैं वहां से वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं. चलिए स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेलोग्राम हुज एंगल्स इज 90 डिग्री. स्क्वायर एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ पैरेलोग्राम है जिसके सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं. डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? साइड अंडर रूट इनटू अंडर रूट 2. ठीक है. और एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर और पेरीमीटर का है 4 * साइड. दैट्स मच जो कि आपको जरूरत थी क्लास 8 में. अभी के चैप्टर के हिसाब से चैप्टर 3 के हिसाब से वो आपको समझा दिया गया है. सभी लोग जितना मैंने लिखाया है आज मैंने बोला है समझाया है प्लीज सभी लोग लिखना उसकी फोटो भेजना. फोटो आनी बंद हो गई है हमको लगता है कि मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गया है. प्लीज होमवर्क करें और होमवर्क की फोटो भेजें. मुझे अच्छा लगता है जब आपका होमवर्क आता है. नहीं आता है बहुत बुरा लगता है. दूसरी चीज आप डेली प्लीज अपना नाम मेंशन करें जिससे एटलीस्ट हमें पता चल सके कि यू आर वॉचिंग माई वीडियो. आर यू वॉचिंग अ वीडियो और नॉट. इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी ओनली. तो प्लीज डू समथिंग फॉर मी. ओके ओके बाय. कल बात करते हैं चैप्टर 4 के. सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार रहना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप लोग को पसंद आया हो तो रियली लाइक कर देना. अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. नहीं तो फिर आप तो अपने मन से ही करेंगे ना. बाय बाय.